सो मैं यहाँ खड़ा हुआ था, मिल गया मेरे दो सब्सक्राइबर्स, उनका है यहाँ पे कैफे AMPM इंद्रपुरी, मेरे को पता नहीं था। तो ये हैं योगेश भाई जिनका है कैफे, और भाई का नाम अनी। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। और आज सॉरी यार, जो 7 डेज सिटी ऑफ लेक्स वाले ब्लॉग की सीरीज़ आज कंटिन्यू नहीं हो पाएगी शायद, क्योंकि मुझे आज जाना है हलाली, क्योंकि 30 तारीख से कैंप साइट ओपन हो रही है, तो थोड़ा सा काम था वहाँ पे, वो निपटाना है, इसके लिए जा रहा हूँ। तो मिलता हूँ आप लोगों को बाइक पे, लेकिन उससे पहले मेरे को रिपेयर करना है मेरे हेलमेट का कैमरा, क्योंकि मैंने बताया था उसके कैमरे का शायद शोल्डिंग निकल गई है, तो जल्दी से उसको देखते हैं, अगर शोल्डिंग निकली तो उसे शोल्ड करते हैं, और फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों को सीधे बाइक पे। सो फ्रेंड्स, ये यहाँ से आप देख सकते हो माइक का वायर, ये निकल गया है, तो जल्दी से इसे शोल्ड कर लेते हैं, नहीं तो कैमरे में जो लगा हुआ एक्सटर्नल माइक है वो काम ही नहीं करेगा। तो इसे जल्दी से शोल्ड करके फिर मिलता हूँ आप लोगों को मैं। सो फ्रेंड्स, निकल लिए हैं हलाली के लिए, और सबसे पहले चल कर डलवाते हैं पेट्रोल। रोड की हालत तो बहुत ख़राब है आज भोपाल की, समझ में नहीं आ रहा कभी रोड सुधरने वाली है। राजस्थान रोड की वो लिटरली बहुत खराब है, मतलब जो भोपाल के अंदर का राजस्थान रोड है, इस रोड की हालत तो बहुत ही खराब है। हलाली का काम तो हो चुका है पूरा, अब यहाँ से निकल रहा हूँ वापस भोपाल के लिए, और जाके लेनी है क्लास, तो जल्दी से पहुँचते हैं क्योंकि मैं लेट हूँ, जो बज रहा है 2 बजे से क्लास है। पहले तो रोड अच्छा था तो 1 घंटे में कवर हो रहा था, आजकल थोड़ी दिक्कत है, तो देखते हैं जल्दी जल्दी कवर करके पहुँचते हैं। तो थोड़ा सा एंजॉय करो, मिलता हूँ मैं घर पर आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, मैं घर आ चुका था खाना खाने के बाद, ले रहा था अपनी ऑनलाइन क्लास, देख सकते हो सेटअप लगा हुआ है, अभी जस्ट क्लास खत्म हुई है मेरी ऑनलाइन वाली, अब ऑफलाइन वाली क्लास लेनी है, तो उसको निपटाते हैं और शाम की क्लासेस लेते हैं। आज का दिन तो एज यूजुअल जाने वाला है, मैंने बोला ही था मैं नहीं जा पाऊंगा आज कोई लेक शूट करने के लिए, तो सॉरी फॉर दैट, एक कंटिन्यूटी टूटी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी कल परसों नरसों दिन है हमारे पास। एक्चुअली कैंपिंग शुरू हो रही है ना, थोड़े तस्ते बिजी हूँ, तो आज वहीं हलाली गया था, वहाँ से अभी थोड़ी देर पहले लौट के आया हूँ, और हलाली यहाँ से आना जाना और जो काम निपटाना है 3-4 घंटे पता ही नहीं चलते कैसे निकल जाते हैं। तो लेता हूँ आगे की क्लासेस और फिर मिलता हूँ आप लोगों को, जैसे भी रहता है, मिलना क्या है ऐसे मिलते हैं। देखो
सो फ्रेंड्स वेलकम बैक। मैं हलाली से आ गया था, घर पे भी सारे काम हो गए, क्लासेस भी सारी निपट गई। अभी बज रहे हैं करीब 8:30 और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अमर भाई का। काफ़ी दिन बाद मिलना हो रहा है ऑब्वियसली काम के सिलसिले में, तो फिर से आया हूँ आज इंद्रपुरी स्थित कैफे एंड मग। तो अमर का वेट कर रहा हूँ, जैसे ही अमर आता है तो मिलते हैं अमर से, चाय पियेंगे। वैसे खाना खा लिया है मैंने, खाने के बाद तो चाय नहीं पीते, लेकिन ठीक है चलो आज पी लेते हैं, खाने के बाद भी चाय चलता है कभी कभी, उसका तो है नहीं। तो मिलता हूँ आप लोगों को आगे, अमर को आज मिले उससे मिलाता हूँ आप लोगों को। तो जब तक अमर आ रहा है तब तक मैंने सोचा कि आप लोगों से कुछ अपनी प्रोफेशनल लाइफ की बातें कर लूँ। मैंने अपना कैरियर जो शुरुआत करी थी वो कोचिंग पढ़ाने से करी थी, ठीक है, आज भी पढ़ा रहा हूँ मैं, और तब मैं पढ़ाया करता था। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, मैंने यहीं से शुरुआत करी थी अपने कैरियर की। तब ये कैफे वैफे कुछ नहीं हुआ करते थे यहाँ पे, तो घुमा के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये जो बोर्ड दिख रहा है ना आप लोगों को ऊपर, ये वाला सॉरी है ना, इसके ऊपर ही फर्स्ट फ्लोर में मेरी कोचिंग हुआ करती थी। सो अपनी लाइफ का काफ़ी स्टार्टिंग का स्ट्रगलिंग वाला पीरियड मैंने यहीं से बिताया है, और तब से मैं पढ़ाते आ रहा हूँ और आज भी पढ़ा रहा हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि स्टूडेंट्स को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है। मैं कभी भी अपनी टीचिंग लाइन में जाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी मम्मी के कहने पे मैंने पढ़ाना शुरू करा था, और अब ऐसा लगता है कि वो छूटती नहीं है मेरे से आदत, मतलब तो वो अंदर ही हो गया है कि पढ़ाना ही है। मतलब मेरे को खुद ही बोरियत फील होती है अगर मैं ना पढ़ाऊँ तो। तो यही थी एक छोटी सी स्टोरी। हमारा अभी तक आया नहीं है, देखते हैं, 8:30 का बुला था, वेट कर रहा हूँ आ जाए तो फिर अंदर बैठते हैं हम लोग। सो मैं यहाँ खड़ा हुआ था, मिल गया मेरे दो सब्सक्राइबर्स, उनका है यहाँ पे कैफ़े AMPM इंद्रपुरी में, मेरे को पता नहीं था। तो ये हैं योगेश भाई जिनका है कैफ़े, है ना, और भाई का नाम अनी, अनी, ठीक है। तो अनी भाई है, भाई की ट्रैवल्स है, ठीक है, ट्रैवल एजेंसी है। सो इंद्रपुरी में कैफ़े बाहर से दिखाता हूँ कैसा दिखता है आप लोगों को। पहले तो 2 मिनट को घुमा के दिखाते हैं। सो ये है AMPM कैफ़े, और काफ़ी अच्छी डेकोरेशन कर रखी है भाई, ये थीम भी अच्छी लगा रखी है। तो अगर आप लोग इंद्रपुरी साइड में आते हो तो इस कैफ़े को ज़रूर ट्राई करना, सर्विस अच्छी है, और सब्सक्राइबर ही हैं यार मेरे, तो सपोर्ट करते रहो थोड़ा तो अच्छा रहता। तो कुछ अंदर के सिनेमैटिक शॉट्स और लेते हैं। बोलता हूँ, और बात तब तक के लिए गुड बाय और गुड नाइट। चलो।